नहीं कर रहे। What's up guys? तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम। सो ओके, बिना किसी देरी करा हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने YouTube वीडियोस पे तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था। वहाँ पे एक कमेंट था जिसमें लिखा था, नॉट योर टाइप पापी, तुम हमारे एग्जाम्स कैंसिल करवा दो प्लीज, तुम तो बड़े आदमी हो ना। और वो कमेंट पढ़ के मेरी आंखों से आंसू आ गए। इधर आओ बच्चे, यार मेरे से मेरे कॉलेज के एग्जाम्स तो कैंसिल हो नहीं रहे, तुम्हारे कैसे करवाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकता हूँ। तो वेलकम है तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ जो भी इस वीडियो का टाइटल है। हाँ, चलो साथ में पढ़ते हैं। लेकिन पापी मुझे नहीं पढ़ना। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। ये टीवी देख रहे होंगे, न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। छोड़ो यार, मैं कभी पहुंच जाता हूँ कभी। और अगर तुम इनसे पूछते हो, भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर। सही है भाई, सही है। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि, सभी ने निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं रखा, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन तुमने तो उनका कुछ कर लिया था, तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ, तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ए, ये क्या बोल रहे हो, 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। अरे शायद, लेकिन प्लानिंग करने वाले बबच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर, मेरा पेपर है कल, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, और उसके बाद 1 घंटा चौकूस खाऊंगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक 21 घंटे बीत जाने के बबाद तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे। चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा। रिलेटेबल मतलब एग्जाम के पहले पढ़ने वाले बच्चे। ये बच्चे जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग पढ़ने, अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। इसका भी टाइम लॉस्ट हो गया भाई। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, शायद बंदरों ने। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ तो। आज से कई साल पहले जो और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कुछ भी कहो गुरु, इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर के घर से पेपर चोरी करने वाले बच्चे। ओके, सो गाइस,
वीडियो खत्म हो चुका है क्योंकि देखो गाइस पहली बात मुझे मेरा व्यूज बहुत कम आ रहा है एंड मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा इतना फनी वीडियो लाऊं। नेक्स्ट वीडियो से ही मैं मीम्स वीडियो लाने वाला हूं, तो गाइस क्या बोलते हो मीम्स लाऊं? अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई मीम्स लाओ तो मैं मीम्स लाऊंगा। एंड सोचता हूँ कि एक न्यूज चैनल खोलूं क्योंकि ये चैनल पता नहीं मुझे लगता है थोड़ा सा डेड हो गया है क्योंकि व्यूज आता नहीं है यार। तुम लोग देखते हो मुझे पता है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही देखते हैं, मतलब जितना भी देखते हैं। ओके तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, भाई पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एंड पढ़ाई करो एंड मेरा वीडियो को लाइक करो, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।